बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां हाइवा ने गौवंशों को कुचल दिया। हादसे में 4 गौवंश की मौत हो गई है, 6 गौवंश घायल हुए हैं। गुस्साए लोगों ने ड्राइवर की पिटाई कर दी। तखतपुर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र हवाई हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, लगातार हादसों की खबरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बिलासपुर की अगर बात करें तो यहां पर कैसे ये पूरा हादसा हुआ है बताइए। बिल्कुल, देखिए, सड़कों में मवेशियों को लेकर हाईकोर्ट भी सख्त है। लगातार हाईकोर्ट की टिप्पणी भी आ रही है। प्रशासन की तरफ से भी लगातार कवायद की जा रही है कि ताकि गौवंशों को यहाँ पर सड़कों से हटाया जाए, क्योंकि लगातार हादसे जो है वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं। ताजा मामला जो सामने आया है तखतपुर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर तेज रफ्तार हाइवा ने 4 से अधिक जो गौवंश है उनको कुचला है, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई है। इस हादसे में लगभग 6 गौवंश जो है वो गंभीर रूप से घायल है। हालांकि घटना के बाद यहाँ पर आक्रोशित लोगों ने जो हाइवा चालक है उसकी भी जमकर पिटाई की है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन गंभीर बात यहाँ पर यही है कि लगातार इस तरह से हादसे हो रहे हैं, उसके बावजूद जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाइयां होनी चाहिए, जिस तरह से ध्यान देना चाहिए, वो नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से लगातार जो निर्दोष गौवंश है उनकी यहाँ पर मौतें हो रही है। बीते दिनों भी बिलासपुर जिले में अगर हम बात करें तो लगभग 40 से अधिक गौवंशों की मौत यहाँ पर सड़क हादसे में हो चुकी है। बीते दिनों भी हादसा हुआ था जिसमें लगभग 12 से 13 जो गौवंश है उनकी मौत हुई थी। उसके बाद अब फिर यहाँ पर तखतपुर थाना क्षेत्र में मामला सामने आया है, जिसमें 4 गौवंशों की मौके पर ही मौत हो गई है। 6 से ज्यादा जो गौवंश है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे प्रशासन इस पूरे प्रकरण पर किस तरह से कार्रवाई करता है, लेकिन गंभीर सवाल है क्योंकि हाईकोर्ट भी लगातार यहाँ पर प्रशासन को फटकार लगाता रहा है। प्रशासन जरूर ये दावा करता है कि गौवंशों को सड़कों से हटाने की कवायद की जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका जो नजारा है वो जिस तरह से अब हादसों के रूप में सामने आ रहा है, इससे सवाल खड़े होता है कि आखिर गौवंशों को सड़कों से हटाने को लेकर जो कवायद है वो यहाँ पर प्रभावी क्यों नहीं साबित हो रही है। बिल्कुल जितेंद्र, जैसे कि आपने भी कहा कि जाहिर सी बात है कि इस तरीके के हादसों के बाद कार्रवाई नहीं की जा रही, और यही कारण है कि लगातार हादसे बढ़ते भी जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।